ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, पहले ये सुनो कि नैनीताल कैसा है। बहुत अच्छे, ये तो हमें देख के ही लग गया नैनीताल बहुत बढ़िया है आजकल। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं प्रवीण जी, पता नहीं अपने घर का कैसा करते होंगे। अरे 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 गौरी जी, मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ, ये सच है, मैं जिंदगी में इन्हें पहली बार मिला हूँ। 11 साल से तो नोएडा आता हूँ, ये मेरे बारे में जानती नहीं है। मैं कवि सम्मेलन का संचालन भी बहुत अच्छा करता हूँ, घर का भी बहुत अच्छा करता हूँ। विश्वास ना हो तो आप अपने घर का सौंप कर देख लो। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इनका जवाब दे दूं तभी शुरू करूं। देखिए इनकी उम्र देखिए और ये मुझसे क्या बात करने लगे। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है। जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है, और बात करते हैं मोहब्बत की वो जिनकी गर्दन तक नहीं संभलती है। आप इनकी बात का विश्वास कर रहे हैं? तालियां इस बात पर बजाइएगा, ये नारायण स्वामी को आसाराम समझ रही हैं। और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि राधे माँ सामने खड़ी हुई है, इसलिए मन में तरह तरह के विचार आने स्वाभाविक है। एक बार आप तालियां बजा दीजिए, गौरी अपना काव्य पाठ करें, क्योंकि ये वार्तालाप बहुत देर चल सकता। देखिए, ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ और मुझे यही सिखाया गया है कि बड़ों का जवाब नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करती हूँ। कि ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, पहले ये सुनो कि नैनीताल कैसा है। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। वाह। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, जो यादों में बसा उस नौजवान के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा। और जहाँ कहीं भी मेरी कोई भी पंक्ति अगर आपके हृदय को छूती है, तो आप सभी मेरे जितने भी यहाँ नौजवान साथी हैं, मुझे दाद दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। पहली बार आई हो, यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं बैठा, यहाँ तीन तरह के नौजवान हैं, कुछ वर्तमान नौजवान हैं, कुछ भूतपूर्व नौजवान हैं, और कुछ काकाजी जैसे अभूतपूर्व नौजवान बैठे हुए हैं। तो बुजुर्ग कोई नहीं है, सबसे छोटा बालक तो ये बैठा हमारे बराबर में। तालियां जरा जोरदार बजाइएगा मस्ती वाली। देखिए, चार पंक्तियां आप सभी के इस प्रेम और सम्मान को समर्पित करते हुए कहती हूँ, सुनिएगा। दिल में दीवानगी नहीं होती, प्यार में बंदगी नहीं होती, साथ जो आपका नहीं मिलता, साथ जो आपका नहीं मिलता, जिंदगी सुनेगा। चार पंक्तियां और। क्या बताऊं कि क्या मजबूरी थी, खुद की खुद से बहुत ही दूरी थी, साथ जो आपका नहीं मिलता, साथ जो सांसें भी वही अधूरी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ नारी शक्ति भी उपस्थित है, और मैं चार पंक्तियाँ मैंने अभी बेटियों के ऊपर लिखी है, और इसलिए भी वो चार पंक्तियाँ आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं एक बेटी हूँ। सुनेगा, और आप सभी
जिस किसी भी के भी घर में अगर माँ बहन बेटी जो भी एक स्वरूप है अगर आप उसको मान सम्मान या प्यार देते हैं तो आप सब मेरा साथ दीजिएगा। मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत, स्वागत गौरी, बहुत अच्छा पढ़ रही हो। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है, जहां पर बेटियां होती। एक गीत सुनाना चाहती हूँ अगर आप सबकी इजाजत है तो, एक बार आप सभी मुझे अनुमति दीजिए, और अगर उस गीत में आप सभी मेरा साथ देंगे तो वो गीत सुनने में मधुर लगेगा और शायद मुझे सुनाने में भी मधुर लगेगा। और कुंवर जावेद जी ने कहीं कहा है कि पूरी धरा भी अगर साथ दे तो और बात है। नहीं, कुंवर जावेद जी नहीं, कुंवर बेचैन जी, कुंवर बेचैन जी ने कहा है, माफ करिएगा। कोई बात नहीं, हो जाती कि पूरी धरा भी अगर साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव पे चल रही है दुनिया, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा इस गीत में। इस गीत की बस एक शर्त है कि आप सभी अपनी तालियों की ताल दीजिएगा। आप सब तैयार हैं? आप सब भी सुनिएगा। हाँ जी। जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी हौली हौली धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके। बहुत अच्छे, वाह। गीत का पहला बंद रखते हैं, सुनिएगा। स्वागत, हाँ, स्वागत। तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानू, मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानू, नदियों की उल्टी धारा में बहती हूँ, तू बंजारा पागल तेरी क्या जानू, बाहों का अभिसार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके। और गीत का दूसरा बन सुनेगा। स्वागत, स्वागत। तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, शर्मीली कच्ची नींदों का शहजादा, दिल का ये पैगाम हवा में भेजा है, शर्मीली कच्ची नींदों का शहजादा, दिल का ये पैगाम हवा में भेजा है, कातिल हूँ या जान से प्यारी लगती हूँ, उसने कैसा रोग दवा में भेजा है, अर्पण को स्वीकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ और आप सभी अपनी विदाई की, मेरी विदाई की भरपूर तालियां आप सब दीजिएगा, सुनिएगा। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा, दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा, जितना मुझ पे आस दुआ ही भरता है, क्या कल भी तू मुझको ही पहचानेगा, कहता है श्रृंगार जरा सा
मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी हौली हौली धड़कन बहके, ऐसी में अधिकार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा।